राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की 118वीं जयंती ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुंजीलाल पटेल के निवास पर मनाई गई। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष सहित कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। बनखेड़ी से जगदीश गढ़वाल की रिपोर्ट। गांधी जी बैरिस्टर थे, साउथ अफ्रीका में 11 साल उन्होंने बैरिस्टरी के लिए पढ़े, वहाँ बैरिस्टरी करी है। आज के जमाने में बैरिस्टर अपने यहाँ बहुत होता, साउथ अफ्रीका में बहुत उच्च कोटि के होते थे। उनके साथ क्या हुआ, वहाँ पर अंग्रेजों का राज था। एक दिन वो ट्रेन में जा रहे थे, फर्स्ट क्लास की टिकट थी, उन्होंने बैठे उनको वहाँ से अंग्रेजों ने निकाल के बाहर कर दिया, ऐसा रख ब्लैक इंडियन बाहर जाओ। उसके बाद उन्होंने एक वहाँ से गाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी केबिन वाली, उसमें बैठे, उसमें से निकाल दिया। तब उनके मन में ये पीड़ा हुई कि मैं आज दूसरे देश में हूँ, मेरे को निकाल रहे हो, मेरे देश में भी अंग्रेजों पर आ जाए, मेरे देश की जनता कितनी तकलीफ में होगी। इस बात के से उन्हें बैठती छोड़ी और इन लोगों ने खड़ा किया जिस पार्टी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका है। लेकिन आज फिर के जनपद के साथ एक चिंतन का विषय भी है और वो विषय यह है कि ये दोनों महापुरुष जिनके आदर्शों को हमारा देश दुनिया जीती, दुनिया में जिनके आदर्शों को क्या है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि आज हिंदुस्तान की पहचान गांधी से है, हिंदुस्तान की पहचान शास्त्री जी से। जो लोग गांधी को कम मानते हैं या जिन्हें अल्प ज्ञान है गांधी जी के बारे में, निश्चित कुछ भी उनके बारे में कहते हैं, लेकिन गांधी जी एक महान व्यक्ति है, गांधी जी एक आदर्श है, गांधी जी एक सिद्धांत है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।